थैंक यू। क्या कुछ चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, रक्षाबंधन आ रहा है, किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हैं आप? फिर अगर आप ले थैंक यू एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आई थिंक मैं इसको आपको ही पकड़ाऊंगी बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू कीप इट एनी वेयर एंड किसी तरीके की कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं। रही बात सेलिब्रेशन की, ये सेलिब्रेशंस होती थी, ऑनेस्टली होती थी, स्कूल में होती थी और बहुत मज़ा आता था, बट अभी लाइफ इज़ टू फास्ट एंड अभी कोई सेलिब्रेशन नहीं है। बट एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है जो बचपन में नहीं थी। बचपन में इट वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेशन, नाउ इट्स ऑल अबाउट दैट सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कनेक्ट विद द कंट्री। गिफ्ट मिलेगा सो वो एक एक्साइटमेंट रहती है। देखो जितने भी लड़के लोग मेरे भाई हैं, दुनिया के किसी भी कोने में है, गिफ्ट भेज देना। देखो म्यूज़िक एल्बम्स, एड्स, ये तो ऑन एंड ऑफ रहती हैं। और देयर इज़ अ न्यू प्रोजेक्ट दैट आई एम वर्किंग ऑन बट इट्स इन अ प्री स्टेज राइट नाउ, तो मैं भी अब मैं मीडिया में कुछ अभी नहीं बोलने वाली बिकॉज वी नो व्हाट हैपेंड विद द लास्ट शो एंड एवरीथिंग, सो आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एज ऑफ नाउ। बट इट्स अ It's a project I'm working on. It's outskirts of Mumbai. Mumbai mein nahi hai. So let's see. Big Boss ki kafi charche chal rahe hain aur naam bhi offer bhi aa rahe hain. Toh bhi plan nahi ho raha hai Big Boss karne ka, kyunki Varia ke liye baat chal rahi hai, aise contestants Varia ke actor hain. Part ban gaye. Aadha udariya Big Boss gaya hai. Right. Kabhi kabhi lagta hai ki mujhe bhi jana chahiye. Right. Ye ritual pura karna chahiye. Right. Par honestly, I don't. मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला है कि मैं बिग बॉस को लेके बहुत न्यूट्रल हूँ, ना मैं बहुत पॉजिटिव साइड में हूँ ना मैं बहुत नेगेटिव साइड में हूँ, मैं बहुत न्यूट्रल हूँ। एंड अभी भी मेरा जो टेक है बिग बॉस पे, वो मुझे भी नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा ऑनेस्टली। और अभी तक मेरी मैं आज ही वापस आई हूँ, तो अभी मैं कुछ भी नहीं बता सकती। जो होगा मैं आपको बताऊँगी, क्योंकि बिग बॉस ऑनेस्टली इसके अपने प्रोज हैं और अपने कॉन्स भी हैं, और मैं अभी दोनों कैलकुलेट कर रही हूँ। प्रोज डेफिनेटली है दैट यू गेट द होल लाइमलाइट, और इसके कॉन्स भी है दैट यू गेट इतना लाइमलाइट कि कुछ सेट ऑफ प्रोजेक्ट्स है जिसके लिए आप नहीं जा पाते हो, आप उस कैटेगरी से आउट हो जाते हो। तो एक अपने प्रोज एंड कॉन्स है, एंड लेट्स सी क्या होता है। मुझे मत लाओ इसमें बिकॉज मैं कुछ भी बोलूँगी, किसी के भी उसमें बोलूँ, पीपल विल कम विद ऑल देयर एंगर, देयर कमेंट्स। अच्छी फैन फॉलोइंग है तो अच्छे फैंस हैं, कभी कभी चीज़ें अपने POV से देखते हैं। तो मैंने जो पूरा सिनेरियो देखा, ऑनेस्टली मुझे बुरा लगा। पूरी मैंने जब इंस्टा देखा, मैंने कहा ये क्या चल रहा है, जो हुआ नहीं होना चाहिए था। एंड मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैंने एक भी शब्द बोला। यू सी व्हाट्स हैपनिंग, सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट, बट आई वुड जस्ट से ह्यूमैनिटी हमेशा अपने साथ रखनी चाहिए, ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, दैट्स द ओनली थिंग एंड इट्स फॉर बोथ ऑफ देम। क्या ऑफकोर्स ऑफकोर्स, वाई नॉट, वाई नॉट। मैं चाहती हूँ ऐसी स्क्रिप्ट वाली मूवी मिल जाए, बड़े पर्दे पे आओ। सो आई एम मैनिफेस्टिंग, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। देखो प्रोजेक्ट शूट भी हुए हैं, प्रोजेक्ट होल्ड पे भी गए हैं, मैंने बहुत कुछ प्लान किया था। Things does not go as per your planning, but your true karma will bring you back to the right path.
ब्रिंग इट बैक टू यू. आई नो इट इज डिसहार्टनिंग. जो शो हमने शूट किया वो स्क्रैप हुआ. क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो आई हैव नो आइडिया, बिकॉज अनटिल लास्ट मंथ मुझे यही था कि शो आ रहा है. दिस इज़ व्हाट आई टोल्ड यू गाइस लास्ट, कि आ रहा है, बट मुझे भी अभी शौक लगा एंड एवरीथिंग. तो वो एक अच्छा खासा चंक साल का मेरी मेहनत का निकल गया. एंड आई हैव फ्यू BTS फ्रॉम द शो, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी. रही बात प्रोजेक्ट्स आने की, नाउ दे आर अगेन इन टू द शूटिंग प्रोसेस. थोड़ा सा टाइम लग जाएगा. बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है. मेमोरीज बहुत अच्छी मेमोरीज थी एक्चुअली. खूबसूरत के सेट पे बहुत मज़ा आ रहा था शूट करते हुए. सब सारा क्रू बहुत मज़ेदार था, बहुत अच्छा था. हम बहुत हंसते खेलते शूट किया है. एंड आई रिमेम्बर मेरे वैनिटी एंड स्केयर्ड ऑफ स्पाइडर्स, और पता नहीं क्यों मेरे ही आसपास मुझे स्पाइडर्स दिखते हैं. तो आई रिमेम्बर मैं अपने वैनिटी रूम में जा रही थी और मुझे अपने मिरर के पीछे से एक लात सी दिखी. और मैं द पर्सन हु वाज हैंडलिंग प्रोडक्शन, हिज नेम वाज गौरव, मैं कॉरिडोर से सेट तक चिल्लाती हुई गई हूँ, गौरव स्पाइडर, स्पाइडर निकालो. एंड दैट वाज फन. अभी क्योंकि टेलीकास्ट नहीं हो रहा था तो वी वर शूटिंग इट विद ऑल द ईज, और बहुत अच्छा शूट हो रहा था. मतलब मेरे पास जितने क्लिप्स हैं, जो सीन्स हैं, या जो फीडबैक आ रहा था, बहुत अच्छा आ रहा था. आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट हैपेंड, वेयर हैपेंड, क्या हुआ, इस जो डैमेज जहाँ पे भी हुआ, जिस चीज़ से भी हुआ, आई हैव नो आइडिया. बट मैं बहुत अटैच थी एंड आई वॉज प्लेइंग एंटागनिस्ट, तो मज़ा आ रहा था. कोई रोने धोने का सीन नहीं था. आई वॉज लाइक फुल्ली फुल एटीट्यूड काइंड ऑफ अ गर्ल. तो इट वाज फन. मैं मानती हूँ मेरे साथ हुआ है, मैं मानती हूँ नज़र लगता है, लगती है नज़र लगती है. बट कभी कभी मुझे ये भी लगता है दैट व्हेन यू वर्क विथ योर ऑनेस्टी, गॉड सेज कि वेट, तुझे इससे बेटर देता हूँ. तो कुछ भी हो सकता है, नज़र भी हो सकती है. बट आई नो दैट आई हैव वर्कड विद ऑल ऑनेस्टी, आई हैव पुट माई हार्ट इन टू इट. तो आई बिलीव दैट इट कुड बी कि रुक बेटा, देखो मैं कुछ और बेटर देता हूँ, थोड़ा इंतज़ार और कर. लगती है, ऑफ कोर्स लगती है, लगी ना, बट ठीक है. मुझे ऐसा लगता है नज़र लगती है, पर वो कहते हैं ना घर में देर है अंधेर नहीं, तो कुछ आएगा और अच्छा ही आएगा. मैं यही कहूँगी हैप्पी, वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. एंड ऑल द गर्ल्स वेरी हैप्पी फॉर यू. रक्षाबंधन आ रहा है, सेलिब्रेट करेंगे. एंड ऐसे ही अपना प्यार देते रहो, सपोर्ट करते रहो. वी मीट सून. थैंक यू.